हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू जेएमडी गाइडेंस क्लब। जेएमडी गाइडेंस क्लब में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करियर गाइडेंस पे एक चर्चा करेंगे। वैसे युवा जो करियर अपना बैंकिंग सेक्टर में बनाना चाहते हैं, जो एक बैंकर के रूप में अपना भविष्य को संवारना चाहते हैं, उनके लिए एक सुनहरा अवसर यहाँ पर आया हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम को जो है वो शुरू करने जा रहे हैं, इन कॉपरेशन विथ स्किल इंडिया एंड नैप्स, दैट इज़ नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। एक एक्ट पास हुआ था पार्लियामेंट में 1961 में, जिसके तहत जितने भी टेक्निकल संस्थान हैं या फिर बैंक हैं और जितने सारे कॉरपोरेट सेक्टर हैं, उनको ये अधिकार दिया गया था कि वो जितने भी टॉप के जो यूथ हैं, जो उस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम के तहत अप्रेंटिस कराया जाए। तो रियली दिस इज़ अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर द यूथ हु वांट टू मेक देयर करियर इन बैंकिंग सेक्टर। द स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज 20 November 2020 टू 10 December 2020, एंड द ऑनलाइन एग्जाम विल बी टेंटिवली इन द मंथ ऑफ January 2021। एग्जाम जनवरी में होने की संभावना है और टोटल सीट की अगर हम बात करें तो 8,500 है और ये अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग 3 years की होगी। आफ्टर सक्सेसफुली कम्प्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग, इट डिपेंड्स अपॉन द बैंकिंग वेदर दे अलाउ यू फॉर द परमानेंट पोस्ट और नॉट, बट डेफिनेटली अगर कोई कैंडिडेट इस ट्रेनिंग को कर लेता है तो इन फ्यूचर वो सेफ है बैंकिंग सेक्टर के लिए। स्टेट वाइज सीट डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। गुजरात टोटल 480 सीट, आंध्र प्रदेश टोटल 620, एंड सीट डिस्ट्रीब्यूशन इज एज पर रिजर्व कैटेगरी। इफ़ यू टेक द एग्जांपल ऑफ झारखंड, इन झारखंड देयर वेर ओनली 200 सीट्स, 200 सीट्स अलोंग विच 24 इज एसटी, 52 इज एससी एंड ऑल ओवर 200 सीट्स। सो ऑल ओवर इंडिया इट consist of 8,500 seats. Really, this is a huge amount of seat. अगर district wise seat की comparison करें तो सबसे पहले हम झारखंड का ही example लेते हैं। झारखंड में total 200 seats है। 200 seat में आपका बोकारो में 6 seat है, चतरा में 12, देवघर 16, धनबाद 3, दुमका 29, गढ़वा 5, गिरिडीह 10, गोड्डा 32, गुमला में एक भी सीट नहीं है, हजारीबाग 13, जामताड़ा 13, खूंटी में भी एक भी सीट नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे सीट नहीं है, तो उसे हड़बड़ाने की बात नहीं है। स्टूडेंट्स चूज अनदर डिस्ट्रिक्ट एंड दे कैन फिल देयर फॉर्म थ्रू अनदर डिस्ट्रिक्ट, वो दूसरे ज़िला से भी भर सकते हैं क्योंकि ये सेंट्रल लेवल का है। एज की जहाँ तक बात करें तो मिनिमम एज 20 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम 28 होना चाहिए, यानी कि उस कैंडिडेट का बर्थ जो है वो 31 October 2020, नॉट अर्लियर देन 1 November 1992 से पहले का नहीं होना चाहिए और 2020 के बाद का नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही है। रिजर्वेशन कैटेगरी PWD, ST, SC, दे हैव टू सबमिट वैलिड रिजर्वेशन सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी लाइक SDO और DC। जो सक्षम प्राधिकार है उनके द्वारा जारी निर्गत प्रमाण पत्र ही वैध होंगे, अदरवाइज उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जो PWD हैं, डिसेबल पर्सन है, मिनिमम उसकी डिसेबिलिटी 40% होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन 31 October 2020, ग्रेजुएशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, यानी कि वैसे कैंडिडेट जो सिर्फ ग्रेजुएट हैं, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस से हो, आर्ट से हो, कॉमर्स से हो, मैनेजमेंट से हो, वोकेशनल से हो, बीटेक हो, बीसीए हो, बीबीए हो, कुछ भी हो, होटल मैनेजमेंट से उन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया है, दे विल सेट टू बी ग्रेजुएट और उन्हें बिल्कुल मौका मिलेगा। तो किसी भी ग्रेजुएट कैंडिडेट जो सिंपल ग्रेजुएट हैं वो भर सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग इट कंसिस्ट ऑफ 3 years। इन द फर्स्ट ईयर यू विल गेट स्टाइपेंड 15,000 पर मंथ, सेकेंड ईयर 16,500 एंड इन द लास्ट दैट इज थर्ड ईयर यू विल गेट 19,000 पर मंथ। तो 3 सालों में आपको जो स्टाइपेंड मिलेगी उसका यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। नाउ सेलेक्शन प्रोसेस, अब
सिलेक्शन कैसे होगा? तो कोई भी चीज़ का सिलेक्शन जो है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम में होता है। बैंकिंग में ऐसा देखा जाता है, सबसे फास्टेस्ट अगर किसी भी चीज़ में सिलेक्शन होता है तो वो बैंकिंग सिस्टम है। विद इन 6 मंथ ये बिल्कुल नीट एंड क्लियर अपना कैंडिडेट का सिलेक्शन कर लेता है। जो सिलेबस क्वेश्चंस आएंगे, जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस, इट कंसिस्ट ऑफ 25 क्वेश्चंस ऑफ 25 मार्क्स। जनरल इंग्लिश, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 25 एंड मैक्सिमम मार्क्स इज 25। इट मीन्स वन क्वेश्चन इज इक्वल्स टू 1 मार्क्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स। एंड रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 100 एंड टोटल नंबर ऑफ मार्क्स इज 100। लेकिन अगर टाइम की बात करें तो टोटल आपको सिर्फ 1 ही आवर दिया जा रहा है, जबकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 100। इट मीन्स आपको 60 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो बिल्कुल आपको स्पीड जो है वो बढ़ा के रखना होगा। देयर शुड बी नेगेटिव मार्किंग, 1/4 ऑफ द मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर एवरी एंड ईच रॉन्ग आंसर। एक गलत आंसर पे आपका 1/4 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। दूसरी बात है एग्जामिनेशन सेंटर का, तो जिस कैंडिडेट जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं अपने स्टेट वाले ही सेंटर सेलेक्ट करेंगे। जैसे झारखंड की बात करें तो बोकारो स्टील सिटी, धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर और रांची, इनमें से आप कोई भी सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपके लिए सुटेबल हो। नेक्स्ट, लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होना ज़रूरी है। आपके 10th लेवल और 12th लेवल का जो भी सिलेबस है उसमें आपको वो लैंग्वेज आना चाहिए। जैसे संथाली हमारा झारखंड में हो गया और हिंदी, तो मैक्सिमम बच्चों का हिंदी होता है तो उनके लिए सफिशियंट है। एग्ज़ाम जो होगा वो बायलिंगुअल है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन रहेंगे, सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। आप जिसमें सुटेबल हैं आप उससे आंसर कर सकते हैं। फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो डिपेंड करता है आपके मार्क्स, आप कितना लाते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। वेट लिस्ट, जिनका टाई करेगा वेट लिस्ट दिया जाएगा, जो ओल्डर एज के होंगे उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। फी की अगर हम बात करें तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 300 और एसटीएससीपीडब्ल्यू को 1 रुपया नहीं देना होगा। तो ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आया हुआ है युवाओं के लिए जो बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, बैंकिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप हो रहा है, आप इसका डिटेल आप देख लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। और साथ ही साथ यदि आप इसे अपने वेबसाइट से खोजना चाहते हैं तो आप सरकारी रिजल्ट पर जा सकते हैं, वहाँ आपको बैंकिंग जॉब में SBI अप्रेंटिस के नाम से एक लिंक शो करेगा, आप वहाँ जा कर के फर्दर डिटेल चेक आउट कर सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन करियर अपॉर्चुनिटी, इसे मिस ना करें जो अभी अभी ग्रेजुएट हुए हैं या फिर 31 अक्टूबर 2020 को होने वाले थे, हो चुके हैं, उन सभी को रिक्वेस्ट है कि वो अपना भर दें जो इस एज कैटेगरी में आते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। इसी प्रकार आपको हमेशा एजुकेशनल पर्पस का गाइडेंस, पर्सनल प्रॉब्लम का गाइडेंस, लाइफ से रिलेटेड गाइडेंस आपको दिया जाएगा इस चैनल पे। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और इस चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करें। धन्यवाद।